अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों तुहाडी खिदमत च हाजिर ने और वैशी माड़ा कूस पार्ट 2 के अंदर आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना पड़ा कि हमारे सज्जन हमारे मखर रेहान शाह और साजिदी टोकर और रेहान 44 हमारे बीच में अब नहीं रहे। आप तमाम लोगों से दुआ की अपील है कि आप रेहान शाह के लिए दुआ करें कि वो जल्दी लौट के वापस आ जाए, क्योंकि अभी फिलहाल वो नारान खान के आ गए। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि एक बंदा वहां से लौट के वापस आता है तो दूसरा चला जाता है। पिछले हफ्ते हमारे फ्रेंड शेरे किंग फ्रॉम 4K गैराज गए हुए थे, अब वो वापस आया तो साजिदी टोकर चले गए हैं। अगर रेहान 44 इस बार नारान खान ना करता तो हमारा ग्रैंड वैशी मांडा क्रूज हो जाना था। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बैंसन आपके भरा ने और बहुत सारे बछिंदों को बुलाया हुआ है। इंशाल्लाह इस दफा भी हमारा वैशी मांडा क्रूज पिछली दफा की तरह फुल टाइम जैको मैको किस्म का होगा। चारों पासे रात का वेला हो चुका है, आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है काला जी के वे, और आपके भरा ने काला जी के सेफ्टी फीचर्स को अपग्रेड किया। सबसे पहले हमने गाड़ी के अंदर 4-point roll cage लगाया था लाल माले रंग के बीच पिछली वीडियो में, या फिर उससे भी पिछली वीडियो के अंदर हमने काला जी के अंदर 4-point हार्नेस भी इंस्टॉल कर ली थी, क्योंकि हर चीज 4 में अच्छी लगती है। 4-point roll cage, 4-point हार्नेस, टीम 4 के, हमारी गाड़ी का इंजन भी 4 cylinder, और इंशाल्लाह इस गाड़ी की पावर भी हम 400+ लेके जाएंगे। हमारे साथ हमारे फ्रेंड दरियाव रेस मौजूद है और यहाँ पे वड्डा पराठा खाने में मसरूफ है। ये चेक करो जी, है ना वड्डा पा मुंह बिच, चल ये देखें जी। भाई सुनाया आपका क्या हाल है? थोड़ा उची बोल है A1 भाई, शुक्र अल्लाह। भाई पिछली बार आपने वैशी मांडा क्रूज में शिरकत किया है, आपने बताना उस्ताद जी आपको चस आई कि नहीं? हाँ ये नाम भिजवा दें। आई है, बहुत आई है। वो भी यही कहती थी। इस बार आपकी गाड़ी का मुझे ये बताएं। भाई गाड़ी मेरी वर्कशॉप खड़ी हुई। क्या कर रही है वहाँ पे? लास्ट क्रूज पे हेडर्स फट गए थे उसके, तो इस वजह से काम शाम होने के लिए गई थी। कोई बात नहीं उस्ताद जी, इंशाल्लाह अगले वैशी मांडा क्रूज के अंदर इनकी 2000 के 24 हैच एक बार फिर से शिरकत करेगी। और उस्ताद जी हम सीधी छाप मार के पहुंच चुके हैं DHI टोटल पार्को के पंप पे, और यहाँ पे हमारे साथ हमारे फ्रेंड नबील इस्लाम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस मौजूद हैं। भाई आपको इतना पसीना क्यों आया हुआ है? आपके पैदल आ रहे हैं क्रूज पे? I'm hot वेरी हॉट। और यहाँ पे हमारे फ्रेंड नबील इस्लाम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस अपनी 2ZZ 2-door bits के साथ मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ हमारे फ्रेंड जुनैद गिलानी मौजूद है अपनी FD2 टाइप आर 12 bar के साथ। ये चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से खूबसूरत गड्डी। रिंग रोड हम चढ़ चुके हैं और फुल स्कूल लाइफस्टाइल के साथ अपनी अगली मंजिल की तरफ प्रवास कर रहे हैं। सोनी सोनी सिनेमैटिक शॉट्स बनाते हुए आज तो उस्ताद जी ऐसे लग रहा है जैसे पूरी की पूरी रिंग रोड पे लाइट गई हुई है, अभी तक कोई भी खंभा हमें उजागर नजर नहीं आया। अंतरवीर मौजूद है उस्ताद जी, सुनाया आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जानी बिल्कुल। भाई आप लाहौर क्या करने आए हैं? यानी एक JZX 110 लिए, GT वो लेने के लिए आए थे। मार्कोर चेक करें, वैशी मार्कोर में वैशी मांडे देंगे अभी हम। हाँ जी साहब के साथ ये भी हमारे साथ क्रूज में शरीक होंगे, इनको हमने स्पेशल बुलाया कराची से अपनों में ईद मनाने के लिए। सबसे पहले बताएं आपकी गाड़ी में क्या क्या चीजें वादू लगी हुई हैं? आपको पता है मुझे 4x4 चीजों का नहीं पता। यानी ये कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ क्या क्या लगा हुआ है। सस्पेंशन से शुरू करते हैं, हमारे पास एक्सटेंडेड कंट्रोल आर्म है, चारों जो फ्रंट पे कॉइलओवर है, जो चारों शॉक्स हैं वो रेजर वायर वाले हैं। रेजर वायर क्या किस भला का नाम है? तो रेजर वायर जो ये अलग से एक बोतल लगी होती है जो कि डैम्पिंग कंट्रोल करने के लिए होती है, जैसे हम कॉइल ओवर में हार्ड और सॉफ्ट करते हैं ऊपर से घुमा के, इसमें समझ लें अलग बोतल लगी हुई है और बोतल के ऊपर स्विच है जिसको घुमा के हम गाड़ी को हार्ड और सॉफ्ट कर सकते हैं ट्रेन के अकॉर्डिंग के हम किस जगह पे गाड़ी चला रहे हैं, मिट्टी में, पत्थरों में या रोड पे, तो उस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। उस्ताद जी अभी अभी आपने कौन कौन सी चीजें टपाई हैं? सिर्फ फुटपाथ टपाया है, रोड टपाई है, ऑफ रोडिंग सारा कुछ? हाँ ये सब किया हुआ है। मैंने अपनी सस्पेंशन के पैसे पूरे किए हैं। पैसे मैंने पूरे किए हैं, मतलब मैंने इतने पैसे पूरे किए हैं, आधा कोई बुशबुश अभी फारिग हो गया था। क्योंकि जब हम एक्सेसिव गाड़ी लिफ्ट करते हैं तो ये सारी चीजें तो साथ में आती हैं। ये टेक रैप का रैप हुआ है आर्मी ग्रीन, आज ही हम चौधरी ऑटो स्टोर से ये वादू लाइट लगवा के आए हैं। ये आज यहाँ पे सारा को अन्ना करने के मूड से आए हुए हैं। मैंने बोला फाद भाई मेरे को ऐसी लाइट दो कि अगला बंदा 12 घंटे के लिए कम से कम एलईडी बारे किथे उथे उथे एनी बहुत। चलो उस्ताद जी चलाओ, ए देखो फुल टाइम अन्ना प्रोग्राम। आपको उस्ताद जी बड़ी गालियां पढ़नी है, लाहौर से पढ़नी शुरू होनी है, कराची तक जानी है। ये मैंने उनके लिए लगवाई है जो लोग हमारे प्यारे भाई जो रॉन्ग वे आ रहे होते हैं फुल बीम के ऊपर। फुल बीम पे उस्ताद जी यहां पे श्रीकर लाइफ से चल गए, देखो
फुल टाइम बनना प्रोग्राम। इसके अलावा अगर मैं व्हील्स के ऊपर आ जाऊँ तो इसमें AMP के टायर्स हैं, ये ऑल ट्रेन टायर्स हैं जो कि दिखते मत ट्रेन की तरह हैं, ठीक है। साथ में 20 इंच के ही व्हील्स हैं, हार्ड रॉक कंपनी के, दोनों US के ब्रांड है। फ्रंट पे आ जाऊँ तो हैमर का बंपर है, ये भी ओरिजिनल है। अगर अल्लाह ना करे मैं कभी किसी के अंदर विच हो गया, हाँ जी, तो ये जो गेज की थिकनेस है बहुत ज्यादा है, उसका काम उतर जाना है ना, बंदे का सारा कुछ पार्ट पुर जाएगा। ये मैंने एंटीना लगाया हुआ है मेरे सारे दोस्तों के लिए। कैटबैक HKS का एग्जॉस्ट सिस्टम है, ओरिजिनल जेन्युइन 100% जेनियन। मॉन्ट गोमी रोड वाला नहीं, वो फ्रंट से बैक तक SS का पाइप है और पीछे टेप है, बीच में एक रेजोनेटर है गालबन। और अगर हम इंटीरियर पे आ जाएं तो फोर्ज कार्बन फाइबर स्टेयरिंग व्हील है गोल्ड एक्सेंट के साथ, एम्बियंट लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, कस्टम मैट्स वेल्स डले हुए हैं। वेरी नाइस। जल्दी अब बाकिया तेरे मुकाबले की गाड़ी आ गई, इधर चैलेंज हो गई वो देख। नो मैच भेज दे अपनी गाड़ी, ओपन चैलेंज आ गया उस साइड से, गरीबों की भीड़ जा रहा है। जाके अंकल को बताओ उसको कुटे आ गए, टप 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 हो जाना। जब तो आ गया, कहिए भाई कह रहे ये गरीबों की आरस है। मेरे पास भी ऐसी गाड़ी है, दरवाजे मेरे दो आपके चार क्यों हैं? जा नीचे ना। हमारे साथ हमारे फ्रेंड अदील मौजूद हैं और उस्ताद यार पूरा जफर सफारी बन के आए हैं, ये देखें। पहले तो बताओ भाई आपकी गाड़ी कहाँ पे है, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, इंजन उड़ गया ना? नहीं, उड़ गया, उड़ गया। शर्मा के मैंने बता दे उड़ गया। कब तक ठीक होगी? मुझे ये बता, ये देखें जी, ये क्या लगा हुआ है? ये कौन सा पाइप आ रहा है? वैक्यूम पाइप होना है, बूस्ट गेज होनी है। ये देखे कहाँ से जेल इंसान है, जेल इंसान। यहाँ पे आई भी गाड़ियों का आपको गेड़ा करा तो सारी, सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं 1cc क्रोला, पिंकी रंग के स्क्रीन लगे हुए हैं। यहाँ पे उस्ताद जी धोता था लेकिन इन भाई का रिश्ता आ गया तो अब स्टॉक लाइफ स्टाइल हो गया, कोई पटाखे पटूखे नहीं चलेंगे, अब शरीफ मोड हो गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे शाह साहब की 4EFT शरार्ड भी खड़ी हुई है, साथ में प्रोफेसर साहब की जी वैगन खड़ी हुई है। ये बंदा बकरा पैदल फ्रीज है, तुझे मैं चिंची पे बैठाता हूँ, सबर का। ये हो गया जी रेहान साहब का मारखोर, नबील इस्लाम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस की 2cc विड्स, K20 टैप आर, दिनेश ग्रानी की K20 टैप आर 12 बार। और ये देखें जी सिलेबर टीटी नोमी चौधरी उर्फ मोरी गैंग, ये चेक करें जी, अडीडास दा पजामा, तू अडीडास ही तू देवदास वाला लगाया कर, दुखी इंसान। उस्ताद जी गाड़ी चेक करें माशाल्लाह से, फुल टाइम काला निजाम गाड़ी, इसलिए इसने यहाँ पे खड़ी की है क्योंकि इसके साथ ट्विनिंग हो जाएगी, देखें ट्विनिंग। लो उस्ताद जी हम रिंग रोड चढ़ने लगे हैं, आपके भरा ने यहाँ पे फुल प्रोटेक्शन निजाम चला लिया, 4 पॉइंट हार रहा है फुल, इसने मुझे टपीड़ा आके रखा हुआ है। हमारे फ्रेंड शेरगी फुल गराज भी आ गए तकरीबन कोई हमें घंटा इंतजार करने के बाद, भाई उस्ताद जी सीधा चढ़ते हैं रिंग रोड और फिर आप लोगों को मैं सोने सोने किस्म के वैशी मांडे चेक करवाता हूँ। Mark on.
बाद ही हम सीधी छाल मार के पहुंच चुके हैं अपने फ्रेंड नबील असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस की स्कैम कार के बीच। हमारे फ्रेंड नबील असलम के पास दो स्कैम कार है, एक वो थी जो कि आपको क्रूज में नजर आई थी विट्स आरएस 2 डोर जिसके अंदर 2cc था, लेकिन ये वो स्कैम कार है जहां से स्कैम कार नाम का जन्म हुआ था, विट्स आरएस 1.5 जिसको हम ट्रैक पे 1000cc मैनुअल कह के लोगों के सहारे सिर उसे करते थे। पहले ये गाड़ी मर्दाना गाड़ी थी क्योंकि इसके अंदर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन थी LSD गियर के साथ, जिसकी वजह से गाड़ी लॉन्च पैसे भागती थी जैसे नेरी में शापर। लेकिन अब ये गाड़ी LGBTQ बन चुकी है क्योंकि इसके अंदर अब मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं बल्कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अभी थोड़ी देर पहले हम वैशी मंडा क्रूज करके आए थे, अभी हम सादा क्रूज कर रहे हैं। आज की क्रूज के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करूं तो जी डाडो मजो आयो, लेकिन आज के क्रूज के अंदर हैंकी पैंकी हुई है। हम तमाम लोग आपस में सही तरह सिंक नहीं कर पाए, हमारे आपस के जो सिग्नल थे वो खो गए थे। कुछ नए बशिंदों ने क्रूज में शिरकत की थी जिनको हमारे इशारे समझ नहीं आ रहे थे। अब मैं हाथ बाहर निकाल किस तरह इस तरह इशारा कर रहा हूं कि मेरे पास फ्लाई बाय मार। अगला बंदा मेरे पास गाड़ी रोक के कह रहा है जी भाई क्या है, मैं कहा मामा फ्लाई बाय मार मेरे को हम लेना है। तो हमने अपने वैशी मंडा क्रूज के कुछ नए असूल लागू किए हैं जो कि हमें हमारे फ्रेंड नबील असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस बताएंगे। भाई बताएं क्या क्या असूल हैं। भाई असूल सबसे पहले ये है कि जहां हमें हाजी की गाड़ी नजर आई रिबर्थ या कालिया साहब जो भी क्रूज पे हो, हमने उसके साथ ऐसे फ्लाई बाय मारना है शुम शुम करके गायब हो जाना है। ये पहला रूल है। और दूसरा रूल ये है कि एक गाड़ी हमारे पास बहुत खतरनाक गाड़ी है जिसको हमने सबसे एंड पे रखना है, हाजी साहब की गाड़ी सबसे आगे, उसको सारे फ्लाई बाय मारेंगे। और जो पीछे गाड़ी है वो है प्रोफेसर साहब की जी वैगन, उसको हमने रखे डिपरों के लिए। जो गाड़ी आगे स्लो चला रहा होगा वो जाके उसको डिपर कराएंगे कि तेज हो, और मिनिमम स्पीड 120 किलोमीटर बस, मिनिमम स्पीड 120। उसके अलावा मैंने तमाम शिंदो कह दिया है कि भाई तुम्हारा मेरे साथ श्रीकल ऐसा है, मेरी गाड़ी जहां भी नजर आए मेरे पास फ्लाई बाय मारना है, मैं स्लो जा रहा हूँ मेरे पास गाड़ी लाओ मिलकर उठाएंगे आगे, ताकि वैशी क्रूज की वैशी फील भी आए। जो बंदा स्लो चलाएगा हमारे प्रोफेसर साहब अपनी जी वैगन में आगे उसको डिपर मार मार अन्ना कार के रख देंगे। अब मैं आप लोगों को LGBTQ स्कैम कार के नए फंक्शन चेक करवाता हूँ। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, उसके अलावा उस्ताद जी आपने इसके अंदर क्या क्या काम करवाए हैं? सबसे पहले मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील लगवाया इसमें, एज चेक करें जी, बटन शटन सब कुछ, वॉल्यूम शोल्यूम मोड शॉट्स ट्रिप्टोनिक शिफ्टर है ये देखें, एस चेक कराओ जी, पैडल शिफ्टर है साथ, ये देखें ये पैडल शिफ्टर ही 4 3 2 1 बिग 1 2 3 हैवी 4 5 6 उसके साथ साथ हमारे फ्रेंड नबील असलम फ्रॉम एंड परफॉर्मेंस ने इसके अंदर कारूज कंट्रोल भी लगवाया जो कि 40 की स्पीड के बाद जाके चलता है। उस्ताद चला के चेक कराओ, ये भी फिलहाल हम 60 की स्पीड में जा रहे हैं, चालू कराओ, लत पीछे कर लो, ये देखो जी लतें साड़ी पीछे, स्पीड ए जगह पे फुल टाइम जाम है, हैवी निजाम हैवी शशके